अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सबका फिर से इस्तकबाल है हमारा नया यूट्यूब चैनल AEC पे। आज हम आप लोगों को ये दिखाएंगे कि हमारा स्पेन का बेयरिंग अलाइनमेंट किस तरह किया जाता है। तो हमारा जो बेयरिंग अलाइनमेंट होता है, जो स्पेन है, ये स्पेन अभी हमारा टूल्स पे रेस्ट किया हुआ है। तो टूल पे रेस्ट करने के बाद हम लोग एक बार इसका अलाइनमेंट एंड लेवल दोनों देखते हैं। दोनों देखने के बाद फिर ये रिपोर्ट किया जाता है साइट के इंजीनियर को कि उसमें कितना लेफ्ट राइट अलाइनमेंट में जाना है और ऊपर नीचे यानी कि हमारा लेवल वो कितना अप डाउन होना है। ये रिपोर्ट करने के बाद ये इंजीनियर, साइट का इंजीनियर जो भी है, ये उसको लेवल एंड अलाइनमेंट दोनों को सही करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आफ्टर बियरिंग मतलब टूल से सिगमेंट को रेस्ट कर देंगे बियरिंग के ऊपर। बियरिंग के ऊपर रेस्ट करने के बाद वो लोग जेक लगा के उसको रेस्ट करते हैं। फिर सर्वे टीम आ करके उसको फिर से चेक करते हैं अलाइनमेंट और लेवल। ये दोनों चेक करने के बाद फिर मिनिमम 2-1 mm अलाइनमेंट और 1-2 mm लेवल में या फिर 0-0 करके हम लोग फिर इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फिर हमारा ये बियरिंग अलाइनमेंट फाइनल हो जाता है। हम लोगों के पास ये देखिए, हमारा पास जो ये टोटल स्टेशन है, ये ट्रिम्बल का S5 टोटल स्टेशन है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले मशीन को ओरिएंटेशन करेंगे। ओरिएंटेशन करने के लिए बैक साइड करना है। ये मेजर में गए, स्टेशन सेटअप एक्सेप्ट। इस स्टेशन पॉइंट का नाम है हमारा 127A। ये देखिए 127A देते ही हमारा यहाँ का कोऑर्डिनेट्स आ गया। इसलिए आया क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे सेव किया हुआ है। अब इसका हम हाइट लेंगे 1.526। ये इसका इंस्ट्रूमेंट हाइट है। यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट हाइट इनपुट कर देते हैं 1.526। यह हमारा इंस्ट्रूमेंट पॉइंट नेम, इंस्ट्रूमेंट हाइट, ये सब इनपुट हो गया। अभी इसे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद फिर हमारा बैक साइड का जो पॉइंट है वो P126 है। अब देखिए हमारा बैक साइड हाइट मांग रहा, तो हमारा बैक साइड का हाइट है 1.3। ये बैक साइड हाइट 1.3। अब हम प्रिज्म को मेज़र करने के लिए टारगेट करेंगे। ठीक है, ये मेजर करने के बाद ये मेजर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 mm और वर्टिकल डिस्टेंस 1 mm, यानी एक हमारा कोऑर्डिनेट का दिखा रहा और एक हमारा लेवल का दिखा रहा है। तो इसे हम स्टोर कर लेंगे। ये स्टोर करते ही हमारा स्टेशन सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे स्टेक आउट करना है। तो स्टेक आउट करने के लिए हमें पहले, जैसे कि हमारा ये स्टेक आउट है, इसके स्टेक आउट के अंदर जाएंगे, फिर हमारा लाइंस का ऑप्शन चूज़ करना है। अब ये देखिए हमारा यहाँ पे ये पॉइंट नेम डालना है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट हम डालेंगे पहले, एंटर, एंड पॉइंट, एंटर। ओके, अब देखिए इसे इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करते ही ये इंस्ट्रूमेंट अपने आप रोटेट हो जाएगा। ये देखिए, यही हमारा रोबोटिक टोटल स्टेशन का बहुत अच्छा काम है, जो कि ये अपने लोकेशन पे ये घूम जाता है, ऑटोमेटिक ये घूम जाता है। अब वहाँ पे हमारा अपने लोकेशन पे प्रिज्म लगा करके बंदा खड़ा है, अब उसे टारगेट किया जाएगा। यह हमारा बाइपोड के साथ प्रिज्म लगा हुआ है। अब प्रिज्म में मेजर करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट नोट कर लिया जाएगा रजिस्टर में। ये अब एक साइड से होने के बाद अब ये दूसरे साइड पे प्रिज्म को लगाया जा रहा है। अब देखिए इसका, यह हमारा इस तरफ इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है और इस तरफ हमारा प्रिज्म लगा हुआ है। तो अभी हम चलते हैं साइड पे,
देखते हैं हमारा स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट कहाँ पे है, वो किस जगह पे हमारा प्रिज्म सेट करके वो पॉइंट को पिकअप किया जा रहा। ये देख सकते हैं हमारा ये सेगमेंट और इस साइड से विंग्स। तो जैसे कि फ्रेंड ये जो स्लैब है इस स्लैब का लेवल हो चुका है और ये जो हमारा स्लैब है इसका लेवल और अलाइनमेंट हमें अभी करना है। आप देख सकते हैं जो कंप्लीट हो गया है ये स्पेन, इसका लेवल थोड़ा डाउन है और जो स्पेन अभी हम लोगों को करना है वो थोड़ा ऊंचा में है। यह हमारा स्पेन का स्टार्टिंग सेगमेंट है, स्टार्ट सेगमेंट जिसको हम लोग ईडी बोलते हैं और ये ईडी में हम लोग ये एक इंसर्ट प्लेट लगाते हैं। ये इंसर्ट प्लेट का हमारा एक स्टार्ट पॉइंट है और इस ईडी का यह हमारा एंड पॉइंट है। इस स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स हम टोटल स्टेशन में डाल के लाइन में डालते हैं और इन दोनों के जरिए हम ये देखते हैं कि हमारा राइट और लेफ्ट कितना जाना है और उसके बाद फिर हम लोग इसी ही ऑटो लेवल के जरिए से इसी इंसर्ट प्लेट में स्टाफ रख के लेवल चेक कर लेते हैं कि हमारा लेवल क्या पोजीशन में है। इसी तरह से इसी का ये हमारा इंसर्ट प्लेट का LHS साइड है, LHS साइड का ये हमारा इंसर्ट प्लेट है। इस इंसर्ट प्लेट में हमारा पंच किया हुआ रहता है, देखिए यहाँ पे हमारा पंच किया हुआ है। ये जो हमारा पॉइंट है ये पंच पॉइंट है, इसी पे हमारा प्रिज्म को लगाते हैं। ये लोकेशन आप देख सकते हैं, ये लोकेशन हमारा प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट में ये LHS साइट और हमारा ये RHS साइट। तो LHS और RHS दो बार हम अलाइनमेंट चेक करते हैं, LHS साइड का एक बार और एक बार RHS साइड का। तो ये रहा है क्या हमारा ईडी का।